आलू स्टफ्ड कुलचा तो सबका फेवरेट है, लेकिन अगर बात हो रही हो अमृतसरी चूर चूर कुलचे की आलू स्टफ्ड तो बात ही क्या है। दोस्तों आज हम बनाएंगे अमृतसरी चूर चूर आलू कुलचा। ये बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त स्वादिष्ट है रेसिपी। इस रेसिपी को दोस्तों एक बार बनाना तो बनता ही है, यह रेसिपी बनाना आसान भी बहुत है। तो चलिए देखते हैं फटाफट कैसे बनाएंगे इस कुलचे को। दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन यानी घंटी को ज़रूर दबाइए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है मैदा तकरीबन 300 ग्राम मैदा ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे नमक, आधा छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे तेल, दो चम्मच तेल डाल दिया है इसमें, दो बड़े चम्मच। इसमें डाल रहे हैं एक चम्मच पिसी हुई चीनी और आधा चम्मच सोडा, मिक्स करके डाल दे रहे हैं। दोस्तों इसमें अब डालेंगे दही, ये दो करछी के बराबर इसमें दही डाल दिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए इसका एक मुलायम सा डो तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, हल्का सा मुलायम डो लगाना है। देखिए मुलायम सा डो तैयार हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा करके रख देंगे ताकि ये सूखे नहीं, इसको कम से कम 2.5-3 घंटे के लिए रख दें ढक करके। देखिए 2.5-3 घंटे बाद इसको निकाल लिया है एक थाली या परात में। इसको फिर से थोड़ा सा गूथ लेंगे मसल करके। अब इसको इस तरीके से फैला लेंगे। एक्चुअली यह कुलचा लेयर्ड होता है तो इसकी लेयरिंग करेंगे दोस्तों मक्खन से। मक्खन को हमने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था और वो काफ़ी मुलायम हो गया है। अब इस मक्खन को इसके ऊपर लगाएंगे, इसके एक पतली सी लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करेंगे, इस तरीके से छिड़क देंगे और एक तिहाई हिस्से में इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से दूसरा हिस्सा इसके ऊपर ओवरलैप करके इस तरीके से इसको फिर से फैलाएंगे। इसके ऊपर फिर से एक पतली मक्खन की लेयर लगाएंगे। फिर से इसके ऊपर सूखा मैदा
आपको रख देंगे। और फिर से एक सेम प्रोसेस, एक तिहाई हिस्से में इसको फैला देंगे और इसको फिर से ऊपर से ओवरलैप कर देंगे। इसको एक बार फिर से फैला लेंगे प्रेस करते हुए। इस बार ज़्यादा नहीं फैलाना है, फिर से थोड़ा सा मक्खन की लेयर लगाएंगे। थोड़ा सूखा मैदा बुरक देंगे, इसको दोनों सिरे को आपस में मिलाते हुए सील कर देंगे। इसको थोड़ा सा राउंड करके इसके पेड़े काट लेंगे। रोटी से लगभग डबल साइज में पेड़े काट लेंगे। देखिए बराबर हमने पेड़े काट लिए हैं। अब इसकी तैयार कर लेते हैं पेड़े राउंड शेप में। इसको गीले कपड़े से रख देंगे और जैसे जैसे हम कुलचे बनाएंगे इसमें से यूज़ करते रहेंगे। चलिए अब कुलचे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ की आलू उबाल करके इसको मैश कर लिया है। ये ठंडा हो गया था अच्छे से। उसके बाद अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डाल देते हैं। अदरक डाल देते हैं 1 इंच बारीक कटा हुआ। इसमें 3 हरी मिर्च डाल देते हैं। मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 लाल मिर्चों के चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। यहाँ पे डालेंगे दोस्तों कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच करीब। थोड़ी सी कसूरी मेथी बचा लेंगे ऊपर से लगाने के लिए। और थोड़ी सी हरी धनिया चॉप करके डाल देते हैं। थोड़ी सी धनिया बचा लेंगे। ये नमक डाल रहे हैं स्वादानुसार। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर। इसमें डाल रहे हैं काला नमक 1 छोटा चम्मच। दोनों नमक होना चाहिए स्वादानुसार। 1 छोटा चम्मच डाल रहे हैं धनिया कुटी हुई, हल्की सी रोस्ट करके कूट लिया था उसको डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्सचर तैयार हो गया है स्टफिंग का। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से पेड़ा लेकर के हाथों से फैला लेंगे। आप चाहें तो इसको चकले बेलन की सहायता से बेल भी सकते हैं। अब इसमें ये आलू का एक पोर्शन लेकर के स्टफिंग का भर देंगे। अच्छी स्टफिंग भरें इसमें, तभी कुलचे का स्वाद बढ़िया आएगा, खाने में अच्छा लगेगा। अब इस तरीके से सील कर देंगे इसके एजेस को। और मैं यहाँ फिर से इसको हाथों से ही बढ़ाऊँगा।
थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो चकला बेलन की सहायता से इसको बेल करके भी बढ़ा सकते हैं, आसानी से बढ़ जाता है। हाथ से बढ़ाने से थोड़ा सा इसका अनइवन टेक्सचर कुलचा वाला जो रहता है वो आ जाता है। इसी तरीके से सारे कुलचे हम तैयार कर लेंगे। तवा हमारा गर्म है, यहाँ पर एक कुलचा लेकर के एक तरफ उस पानी लगाएंगे। पानी आप अच्छे से लगाना ताकि ये तवे के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। किनारों से अच्छे से पानी लगा देंगे चारों तरफ, फिर इसको पलटा देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये तवे के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हरी धनिया कटी हुई और थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको भी लगा देंगे। दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है ये कुलचा और टेस्ट भी बढ़ जाता है। हल्का से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये चिपक जाए। अब इस कुलचे को तवे पर ही सेक लेंगे, इसको हल्का सा पलटते हुए मीडियम लो फ्लेम पे इसको सेकेंगे। तेज आंच पे ना सेकें, तेज आंच पे क्या होगा कि ये बाहर से जल जाएगा और अच्छे से प्रॉपरली कुक नहीं होगा। तो इसको मीडियम लो फ्लेम पे धीरे धीरे इसको चारों तरफ से सेकेंगे। जितनी मोहब्बत से सेकेंगे उतना ही बढ़िया कुलचा तैयार होगा, खाने में टेस्टी। तो इसको सेकें बढ़िया से। ये देखिए ज़बरदस्त कुलचा बिल्कुल रेडी हो गया है, बढ़िया टेक्सचर आया है इसका। अब इसको इस तरीके से पलटे की सहायता से खुरच करके निकाल लेंगे। और भाई अमृतसरी कुलचा है तो बटर तो लगाना ही होगा, तो ये बटर लगा देते हैं अच्छे से। उसके बाद इसको सर्व करेंगे। इसको हल्का सा चूर करेंगे यानी क्रश करेंगे इसको, और ये ऐसे ही क्रश करके सर्व किया जाता है। इसको आप छोले के साथ सर्व करें या चटनी के साथ। भैया मैं तो ऐसे ही खाने जा रहा हूँ इसको, अचार वगैरह के साथ। आप बताएं किसके साथ खाते हैं इसको। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगी आपको ये रेसिपी और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।